पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी का एक ऑडियो जम करके वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में राजेंद्र गुढ़ा और राकेश सैनी चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हजार आदमियों से पहले एक बार मेरी 25-50 आदमी मीटिंग करा, देखिए मैंने वोटा का गुआल बड़ी बड़ा गुआल रखे सिन्नी है गिन गिन के खोपड़ी गिना गिना के वोट दुआ। उपचुनाव से पहले राजेंद्र गुढ़ा का ऑडियो वायरल, कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी से बातचीत, न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। उपचुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नेता साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हैं। उसकी एक बानगी झुंझुनू में वायरल एक ऑडियो से भी हो रही है, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो में वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी बड़ी बेबाकी से राजेंद्र गुढ़ा को जिताने का दावा करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और बीजेपी जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के खिलाफ भी गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी तो बहुत मन गिर रही है, अविनाश गहलोत बनवारी फोड़े मारो बनवारी सैनी का, अविनाश गहलोत का, राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीत गया। तो सर इसमें आप राकेश भाई मत हो तो मंगलवार की रात ली मीटिंग मेरा भाई तू तैयारी करे पांच वीक के महीने में तैयारी पूरी है सारो खर्चो मेरो है नेताजी लड़ाई। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत शहीद इंद्र सिंह सैनी का बेटा वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इससे पहले प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का राकेश सैनी द्वारा स्वागत करने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इस ऑडियो में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी के बीच 2 मिनट 51 सेकंड की बातचीत है, जिसमें राकेश सैनी 29 अक्टूबर को अपने दम पर हजार आदमियों की मीटिंग बुलाने, राजेंद्र सिंह गुढ़ा को जीत दिलाने, राजेंद्र सिंह गुड़ा जिंदाबाद जैसी बातें बोल रहा है। ठीक है तुम आ जाऊंगा, पर तू धनतेरस वाले मीटिंग लोग वाले मीटिंग की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बैठूंगा अभी, मैं नईडी में बैठकर आऊंगा इस कार्यक्रम। ठीक है जी, जिंदाबाद है मान लियो राकेश, कह दियो ना तो चुनाव निकलोगे। ठीक है राकेश, हाँ तो समान रखा है राकेश। ठीक, इस ऑडियो में राजेंद्र गुढ़ा राकेश सैनी से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें अविनाश गहलोत और बनवारी लाल सैनी के चक्कर में माली समाज के वोट नहीं मिल रहे, जिसके बाद देश में आकर राकेश सैनी अविनाश गहलोत और बनवारी लाल सैनी को गोली मारो जैसे शब्द बोलते हुए सुनाई दिए। राकेश सैनी दावा कर रहे हैं कि वो राजेंद्र गुढ़ा को हर हाल में जीत दिलवाकर रहेंगे। हम वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बता दें कि राकेश सैनी अपने पिता शहीद इंद्र सिंह सैनी की शहादत पर सरकार द्वारा मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति से नौकरी पर लगा। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते